लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की ट्रेंड को पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से दिखता है आप ट्रेंड, कैसे दिखता है साइडवेज और कैसा दिखता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हूँ, और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग वीडियोज देखने को मिलेंगे, और स्पेशली अभी अभी आने वाली सीरीज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रहेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चाहते हैं आप इन्वेस्टिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस अभी आने वाले। तो अगर आपको लगता है आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, अब ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे दिखने में कैसे दिखते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेफ्ट में आपको अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है ब्लू कलर के इसमें, ठीक है। तो इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, मतलब अब ट्रेंड का क्या है, मतलब एक रूल होता है फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज, ठीक है। अगर आपको मैं ये वाले पॉइंट्स जो बताऊँ, ये ऊपर वाले पॉइंट्स है, इसके हाईज है सारे सारे के सारे, जितने भी पॉइंट्स है ऊपर वाले, ये सारे के सारे हाईज है इसके, ठीक है। और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है, सारे सारे लोज है, ठीक है। अब बात है, अगर मैं ये वाला लो और ये वाला लो को कंपेयर करूं, तो ये वाला लो मेरा हायर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो इसको मैं हायर लो बोलूंगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला लो और ये वाले लो को कंपेयर करूं, तो ये वाला लो मेरा हायर है, राइट। तो क्या फॉर्म हो रहा है, मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मेरा एक हायर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं ये वाला हाई और ये वाले हाई को कंपेयर करूँ, तो ये वाला हाई मेरा हायर है, राइट। और ये वाला हाई और ये वाले हाई को मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये वाला है मेरा इसके कंपैरिजन में हायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई और हायर लो को ही हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, थीके? ये चीज आपको ख्याल रखना है, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, साइडवेज में आपका जो लोअर जो लोज है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे रहेंगे, और जो हाईज फॉर्म होते हैं वो भी एक इक्वल लेवल पे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आपको ख्याल रखना है, साइडवेज में बहुत सिंपल है, एक एग्जैक्ट मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम मैच टू मैच होगा, थोड़ा 19-20 होगा, बट ऑलमोस्ट आपको साइडवेज इस तरीके से दिखेगा कि उसमें हाइज जो है एक लेवल पे रहेंगे और लोज भी ऑलमोस्ट एक लेवल पे रहेंगे, ठीक है। और मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है, लोअर हाई और लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, जैसे इसमें हो रहा था इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें जो हाई बन रहा था, ये जैसे ये वाला हाई है और इसको हाई को कंपेयर करूँ, तो ये वाला जो है लोअर है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। वैसे ही ये वाला और ये वाले को कंपेयर करूँ, तो ये वाला जो है इसके कंपेरिजन में लो है, राइट। तो इसको मैं लोअर हाई बोलूंगा, इसको भी लोअर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो वैसे ही लोअर के केस में होगा, ये वाला जो मेरा लो है ये वाले लो के कंपैरिजन में लोअर है, तो इसको मैं लोअर लो बोलूंगा, ठीक है। और ये वाला लो इस ये वाले लो को कंपेयर करूँ, तो ये वाला ज्यादा लो है, तो इसको मैं लोअर लो बोलूंगा, ठीक है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ठीक है। ये बाद में अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा, तो आने वाले मेरे वीडियोस आएंगे उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी एकदम फ्रेशर है, तो एकदम से ग्रास्प करना आपके लिए भी इतना इजी नहीं होगा, बट कुछ इस तरीके से दिखता है पैटर्न, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, एकदम बेसिक से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, बट इसको हम कैसे चार्ट में देखेंगे वो चीज़ मेरे आने वाले वीडियोज में, तो डेफिनेटली आप आने वाले वीडियोज को भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और आई होप आप थोड़ा बहुत भी इस वीडियो के थ्रू समझ पाए होंगे, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और जिनको आपको लगता है इससे मदद मिल सकती है, जिनको सीखने मिलेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।